प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंचों से ये घोषणा कर रहे हैं कि हमने प्रदेश से भूमाफिया भगा दिए, गुंडागर्दी खत्म कर दी, अब या तो गुंडे जेल में या फिर स्वर्ग सुधार गए। लेकिन आज यहाँ कलेक्ट्रेट प्रांगण में एसएसपी कार्यालय के समीप जो दो लोग बैठे हैं, ये दोनों अलग अलग ब्लॉकों से हैं, इनकी क्या समस्या है, क्यों बैठे हैं, आगे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप सोलंकी है सर। प्रदीप सोलंकी जी है? हाँ। कहाँ से हैं आप? हम गांव साई चनेरा ब्लॉक करावली तहसील से आए। ये जो घंटी मजारे बजा रहे हैं, आप क्या शो करना चाह रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कि भगवान योगी मोदी जी भक्त हैं ईश्वर के, तो हम ये चाहते हैं कि उनसे कहते हैं कि हमने भूमाफिया भगा दी है। भूमाफिया एक नहीं है, गांव में हमारे में स्कूल की जमीन वैसे तो 50 बीघे पे कब्जा कर रखा है सरकारी भूमि पर, परंतु हम तो एक छोटा सा एक मैटर स्कूल का लेके आए हैं, 8 विशेष जमीन स्कूल की खबर और बाकी और है तो उस पर बेदखल है। कौन से गांव का नाम है? साही गांव का है। साही कौन सा ब्लॉक लगता है? अच्छा मेरा ब्लॉक लगता है। तो कौन ऐसा आदमी है जिसने भूमि पर कब्जा कर लिया? त्रिलोक सिंह है। त्रिलोक सिंह हाँ। क्या है वो? प्रेम सिंह। क्या है वो? किसान, गांव का वैसे किसान है। किसान है हाँ? खेती में जोतनी। आपको शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत मैंने कई 20 बार तहसील दिवसों में दे चुका हूँ, उसकी शिकायत कर सकता हूँ। क्या समाधान हुआ? नहीं होते अधिकारी आते पैसे खाया दो। वैसे तो भूमाफियों ने कम से कम 50 बीघे जमीन सरकारी घेर रखी है, खाद के गड्ढे, हड़वार, पीरे खदाने और आबादी की जगह, परंतु उनको हम छोटे सा एक मैटर स्कूल का है, हम धर्म स्थल हम दुनिया से स्कूल बनवाती है। योगी मोदी जी कहते हैं कि स्कूल बच्ची पढ़ाओ बच्ची कराओ, हमारे गाँव में 5-6 महीने तक स्कूल है पर वहाँ कोई सुविधा नहीं है। पूरे ब्लॉक अछनेरा में कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है। योगी मोदी जी दुनिया में तोहफा लगाते टूल नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अखबार में बांटते हैं, टीवी में कोई सुनते हैं, परंतु कोई कार्य उनका गांव के अंदर नहीं आ रहा है, कोई योजना नहीं बन रही है। तहसील करावली के अंदर तो कोई नहीं है, अंत ही शिलान्यास हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में स्कूल की जमीन बेदखल को खाली करवा कर हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक शिलान्यास इंटर कॉलेज का नहीं होगा। सुखराम। सुखराम जी। कहां से आप? खेड़िया। प्रथम ब्लॉक लगता है? अकोला ब्लॉक। कौन सी तहसील? करावली। करावली तहसील लगती है जी हाँ। क्या समस्या लेकर आप यहां बैठे हैं? पोखर है साहब, खाली नहीं है रही है, पोखर में मकान बना लें जी, गड्ढा घिर रखे हैं, कन्या पाठशाला जमीन घिर रखी है, ग्राम समाधि जमीन घिर रखी है, करीब 12 बीघे जमीन है साहब, जो घाटा संख्या आपके सामने है। जी। तो किन लोगों ने घेर रखी है? ये मान सिंह है, हरदौल है जी, और मतलब गुमान सिंह है, प्रबल है। क्या दबंग लोग हैं ये? क्या दबंग है सर? लाइसेंस ही हथियार है इनकी, भैया कोई भूलता नहीं। भाजपा से संबंध इनका कुछ है? भाजपा नेता है ये? जी जी। अपने आपको भाजपा नेता है? भाजपा नेता है सर। जी सब भाजपा नेता है? सब नेता है। उनको राजकुमार कह दे रहा है जी, राजकुमार के आदमी है जी, और ये मतलब न पोखर खड़ ली कह देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा जी। टीम आई और राजकुमार ने रुकवा दिया उसको, रुकवा दिया। आप क्या चाहते हैं? अब ये स्कूल बनना चाहिए साहब, कन्या पाठशाला नहीं है, कोई कॉलेज ही नहीं है, 10,000 की आबादी है, कोई कन्या पाठशाला नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं हमने सब माफिया भगा दी है। वो कुछ सब... नहीं है सर, वो सब यही है माफिया, कोई ना कोई नहीं भगा नहीं, कोई नहीं भगा साहब, बिल्कुल जी कहते हैं कि कोई हटा के दिखा दे हमने। अच्छा, तो आप यहाँ कब तक बैठेंगे फिर? जब तक ये नहीं होगा जब तक फाइनल, जब तक साहब बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन बैठेंगे हम, जब तक हमारे ये होल्ड एरिया नहीं चले वो जब मकान जमीन पे प्राइवेट मकान बना लें जो उन पर, जब तक नहीं जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है सब जो है फोटो खींच लाए, दीवार जो है पोखर में 192 नंबर है जी, और 1 बीघे 16 विशे जमीन है जी, बहुत अच्छा। अब उसमें 10 विशे जमीन नहीं रही है, वो सब जो मकान बनवा दिए, मकान भी ऐसे हैं कि जो दीवारें पानी में खड़ी रही हैं, आप देखोगे फोटो खींच लाए हम, और जब तक ये सुधार नहीं होगा जब तक फूल मवेशी प्यासी डूल रही है, पानी पीने को नहीं है मवेशी के लिए, तो वहाँ जगह ही नहीं है। मानते हैं आप जी? कौन है जिम्मेदार है? मतलब ये जे ये जे सरगन आए देखू हो तो ना इनकी बैठे, हम भी आपने कभी शिकायत की जाके? अरे साहब 17 से डोल रहे हम, 17 हम पे हैं, हाईकोर्ट का भी आते हैं। अच्छा, कोई सुनाई नहीं है साहब। तो ये जो दोनों बुजुर्ग यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जो तहसील करावली के गांव हैं उनमें भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, स्कूल पर कब्जा कर लिया है, बड़ी बात ये है कि इनका ये कहना भी ये है
कि जहां मोदी और योगी सरकार ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बच्चियों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, भूमाफियाओं ने विद्यालय की जमीन पर कब्जा कर लिया है, और जो एक बात सामने आती है कि साहब गुंडे भाग गए हैं, भूमाफिया भाग गए हैं, लेकिन इन दोनों का आरोप ये है कि वो सारे भूमाफिया आगरा में हैं, आगरा की जमीनें में जो ग्राम पंचायत में है उन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन योगी और मोदी जी इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भाजपा नेता है वो भी भूमाफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, और जब तक उठेंगे जब तक इनका न्याय नहीं मिल जाता, ग्राम पंचायत की जमा खाली नहीं जाती, और जो भूमाफिया है जो दबंग है उन पर कार्रवाई नहीं जाती। लेकिन देखने वाली बात ये होगी ये तहसील ग्राम पंचायत से जो लोग आए हैं इनको न्याय कब तक मिलेगा। 780 न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।